क्या बिग बॉस है राखी की तरफ बायस्ड? क्यों उस चीज के लिए राखी को नहीं टोका गया जिस चीज के लिए निकी को दोबारा से बोला गया था? यही सवाल उठा रही है निकी तंबोली। क्या है पूरा मामला बताते हैं आपको इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। जब साइकिल वाला टास्क आया था, साइकिल रिपेयरिंग वाला टास्क आया था, तो एक कैंटीन भी बना था जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स थी, जिसमें क्रीम रोल थे, कुकीज थे, ये सारी चीजें आई थी। अब उस कैंटीन के सामान को जो बिग बॉस ने भेजा था, कंटेस्टेंट्स वर नॉट एक्सपेक्टेड टू कीप एनीथिंग फ्रॉम दैट, यानी कि वो उन लोगों को उस टास्क के बाद कुछ भी रखने की इजाजत नहीं थी। बिग बॉस ने बार बार सभी को टोक टोक के बोला था कि किसी के पास कोई भी खाने का सामान नहीं रहना चाहिए। निकी दम्बोली को दोबारा टोका गया था क्योंकि शायद उन्होंने कुछ रख लिया था, तो बिग बॉस ने बोला था निकी कि आपको दोबारा बोला जाए। अब यहाँ पे राखी सावंत के पास जब इतने सारे क्रीम रोल्स बरामद हुए हैं, तो यहाँ पे निकी का पारा चढ़ गया है कि जिस चीज के लिए निकी को दोबारा टोका गया था, उस चीज के लिए राखी को क्यों नहीं बोला गया? अभी तक उसके पास जो क्रीम रोल्स है वो रखे हुए हैं। एंड क्या बिग बॉस की इस पर नजर नहीं गई? भाई बिग बॉस की तो हर चीज पर नजर रहती है, इतने सारे कैमराज हैं। तो उन्होंने राखी सावंत को क्यों नहीं टोका? क्या राखी सावंत को दे रहे हैं स्पेशल प्रिविलेज या स्पेशल ट्रीटमेंट? क्या राखी सावंत उनके लिए स्पेशल है? जिसके बाद काफी सारा हंगामा भी हो जाता है घर में। लेकिन यहाँ पर जो है बड़ा सवाल उठा देती है निकी दम्बोली कि वही चीज जिसके लिए निकी को दोबारा टोका गया, राखी सावंत को क्यों नहीं टोका गया? आपको क्या लगता है, क्या सच में बिग बॉस कर रहे हैं राखी को फेवर? तो आज ही कमेंट सेक्शन में बता दीजिए हमको, और हमारे साथ जुड़े भी रहिए क्योंकि और भी कई सारी एंटरटेनिंग अपडेट्स हैं जो हमें आप तक पहुंचानी है।